हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 10 मई 2019 है और जो शेयर मैं आप लेके आया था, आज फ्राइडे है। जो शेयर लेके आया था वो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड था। ये एक ऑटो सेक्टर की अच्छी, ऑटो सिलीज सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है और एक अभी 229 पे हुआ करती थी। चूँकि ऑटो सेक्टर अभी ख़राब चल रहा है तो उसके कारण यहाँ पर भी आपको थोड़ा इसमें खराबी देखने को आ रहा है और ये भी परफॉर्म नहीं करते हुए दिख रहा है। अभी भी ये बेरिश सिग्नल है, 115 तक के लेवल को टच कर सकता है और 100 तोड़ता है तो 96 पे इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो किसी भी हालत में ये 96 से नीचे जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ से डाउन साइड अगर देख लें तो 115 एक बार ये जरूर टच करेगा। तो 100 115 के आसपास अगर आप बाइंग करते हैं और ऑटो सेक्टर में जब भी ये बूम आएगा तो आपको यहाँ से आराम से 70-80% या 50% रिटर्न तो इमिडिएट देने को ये दम रखता है। और अभी आज देखेंगे 10 तारीख को जो क्लोजिंग हुआ है, 127.70 रुपये पे क्लोजिंग हुआ है 1.05% के साथ, निगेटिव के साथ। वॉल्यूम हुआ है 75,43,743 का। मदरसन सुमी में सेंटीमेंट जो 67% बाइंग सेंटीमेंट है। डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 43, 48, 48% से डिलीवरी हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर एज ए फाइनेंशियल की बात करूँ तो इसमें कुछ भी खराब नहीं है। डिविडेंड 1% देती है और ये करती क्या है तो मदरसन सुमी सिस्टम इज लिमिटेड ए सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडेड टू ऑटोमोटिव एंड अदर इंडस्ट्रीज ऑफरिंग सर्विसेज फ्रॉम डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग टू प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस ए रेंज ऑफ। ये कार वगैरह को, मारुति को स्पेशली बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। मारुति को, मारुति जैसे सभी कंपनियों को ये सिस्टम प्रोवाइड करती है, ऑटोमेटिव सिस्टम प्रोवाइड करती है, जितने भी एसेसरीज होते हैं सब चीज़ प्रोवाइड करती है। अगर इसकी 52 वीक हाई देखें तो 229 था। डिविडेंड 1.16 है। सेल्स ग्रोथ 17 से 18% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग 9.08 है, 10% के आसपास है, अच्छा है। प्राइस टू कैश फ्लो 12 टाइम्स है। 10 के आसपास अगर कुछ भी मिलता है जिसके पास कैश है तो अच्छा माना जाता है। तो ये बहुत ख़राब तो नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर डेब्ट देखें 10,374 करोड़ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो होता है 5,600 करोड़ का होता है। तो सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डेब्ट है, लेकिन वहीं पर इंटरेस्ट कवरेज देखें तो 10 टाइम 9.29 है, बहुत अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें 61.73 है और जो प्रमोटर ने गिरवी रखा है सिर्फ 3.72% गिरवी रखा है, तो बहुत ज़्यादा गिरवी नहीं रखा है। जो प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे तो आप देखेंगे FI इसको बाय कर रही है और जो दिसंबर 18 में 17.48 था वो 18.11% हो गया है। और जो अच्छे खासे म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग है हाइएस्ट, इसके म्यूचुअल फंड 21 म्यूचुअल फंड स्कीम में है। प्रमोटर ने जो गिरवी रखा है 3.72% रखा है, वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। FI इसमें देखेंगे FI जहाँ पे, यहाँ पे मार्च 18 में कुछ भी नहीं था, अभी 10% के आसपास यहाँ पे FI का परसेंटेज बता जा रहा है, ये एक अच्छा परसेंटेज है, 18% बता रहा है, वो एक अच्छा चीज़ है। तो दिसंबर 18 के कंपैरिजन में ये एक साथ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्च 18 में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे दिसंबर 18 में 18% दिखा रहा है, तो एक अच्छा चीज़ बता रहा है ये। लेकिन ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ FI होल्डिंग फ्रॉम डिक्रीज फ्रॉम 495 to 493, दो आदमी कम क्यों है, FI होल्डिंग है इंक्रीज, पर्सन ने इंक्रीज किया दो, लेकिन आदमी यहाँ से कोई एग्जिट हुए हैं। तो ये एक अच्छी कंपनी है। और अगर इसके रिटर्न की बात करें, मदरसन सुमी के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे ये 3 ईयर्स में 12% है, 1 ईयर में निगेटिव, YTD निगेटिव है, 1 मंथ में निगेटिव है, 1 वीक में निगेटिव है और डेली बेसिस पे भी निगेटिव है। और टेक्निकल परफॉर्मेंस की बात करें तो हर लेवल पे सेल का रिकमेंडेशन है, तो कहीं पे बाय रिकमेंडेशन नहीं, चाहे वो आवरली बेसिस पे हो, चाहे 5 आवर बेसिस पे हो, चाहे डेली बेसिस पे हो, चाहे वीकली बेसिस पे हो, ये अभी निगेटिव ही बता रहा, मतलब कहीं कहीं ना कहीं नहीं ये नीचे जाने के दम खम रखता है। और अगर मैं इसको डिलीवरी बेसिस पे बोलूँ तो ट्रेडिंग क्वांटिटी जो हो रही है उसकी 47-48% वहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे डिलीवरी जा रहा है। अगर आप देखें तो 10 मई को जो हुआ था 75 लाख में से 35 लाख की डिलीवरी हुई है। प्राइस 129 की जगह 127 हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्राइस वॉल्यूम जो पैटर्न बता रहा है, वेटेड एवरेज वॉल्यूम को भी यहाँ पे देखें तो टूटता हुआ नजर बता रहा है, थोड़ा सा वीकनेस बता रहा है। 129 की जगह 127, 2 रुपया मतलब समझिए ह्यूज मार्जिन से शॉर्ट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप अगर मदरसन सुमी की वीकली बेसिस पे भी एक और सिग्नल देखने की कोशिश करें, इसका 21 दिन का आप देखिए येलो लाइन जो आपको दर्शा रहा है 21 लाइन का डेमा है और ये सारे डेमा को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जा रहा है, चाहे उसने 200 भी तोड़ चुका है, वो 50 भी तोड़ चुका है और नीचे की ओर जा रहा है। और ये डेली बेसिस पे है, तो जब ये डेली बेसिस पे देखें तो 141 का है, तो जब 141 क्रॉस करते हुए दिखे तब भी आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं या
100 टन के हैं तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको शॉर्ट में बने रह सकते हैं। जब तक ये 141 पे आप शॉर्ट इसको करके बैठे, करंट मार्केट प्राइस क्या है इसका 127 है। तो अभी भी चाहे 2800 का ये लॉट होता है इनका, अगर लॉट साइज की बात करें तो अगर 115 पे देखें तो दो लास्ट स्टेटस पर 2.35 है, और इसकी लॉट साइज की बात करें लॉट साइज होता है 2850 होता है। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे पुट की बात करें, 115 की पुट की बात करें तो यहाँ पे जो इसका लो था 1.75 रुपये, हाई 2.35 रुपये, और अभी भी 35% का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और 361,000 लोग बाइक क्वांटिटी पे खड़े हैं जो कि सेलिंग पर 236,000, मतलब 115 पे भी अभी भी 2850 का लॉट है, लोग तैयार हैं खरीदने के लिए। तो कहीं ना कहीं 115 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इसमें नहीं देखने को होगा, और वीकनेस है इसमें, और आप देखेंगे हर लेवल पे नीचे की ओर पोजीशन की ओर बन रही है, और 120 पे देखेंगे 4,33,000 का अच्छा खासा सपोर्ट है। ऊपर देखें 150 ये क्रॉस करने वाला नहीं है, क्योंकि 11,08,000 का इस पर सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस ऊपर की ओर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं 125 आप देखेंगे एट द मनी पे, यहाँ पे कॉल में थोड़ा सा प्राइस सेक्शन में पॉजिटिव दिख रहा है, इधर ज़्यादा दिख रहा है 85 पैसे का, इधर 40 पैसे का है, तो इस भ्रम में मत फंसिए। पोजिशन शायद जो भी है वो आपको जो बन रहा है पुट की ओर ज़्यादा बन रहा है, और नीचे देखें तो 130 पे अनवाइंडिंग हुआ है, तो मतलब नीचे अनवाइंड करके जा रहे हैं लोग 125-120 की ओर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 115 का पुट जो 2.35 रुपये पे है, अगर आपको 1 रुपये पे तो स्टॉप लॉस रख ले इसका, 1 रुपये के स्टॉप लॉस से चाहें तो आप इस पे बने रह सकते हैं। मेरे अंदाज से यहाँ पे आपको जो 2850 का लॉट साइज है, और अगर आप इसको 2.35 के आसपास भी बाय करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है, या अगर फ्यूचर में डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं तो भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पुट कॉल है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चली जाती है, लेकिन ये आपको एक बार 115 की ओर जाते हुए जरूर से जरूर दिखेगा। वहाँ पे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो लोएस्ट पोजीशन है, जो लो से लो जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। RSI भी देखेंगे आप, तो मैं आपको RSI दिखाने की कोशिश करूँ, तो RSI एक बार देख लेते हैं, तो 27% पर RSI जा चुका है, तो आप देखेंगे 27.23 मतलब बहुत लोएस्ट पर ऑलरेडी RSI काम कर रहा है। यहाँ से और 5-6 पॉइंट जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ये 115 पे आते हुए आपको दम खत्म होते हुए दिखेगा, और वीकली बेसिस पे भी RSI देखें तो 35% है, तो वीकली बेस पे एक थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये नीचे की ओर जाते हुए दिखे, तो इसलिए मैं बताया आपको 115 पे वहाँ पे एक बार जा सकता है, 115 को टेस्ट कर सकता है। लेकिन ये जो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म का 98 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है लॉन्ग टर्म का, ये 98 मेरे अंदाज से किसी हालत में बीच नहीं करना चाहिए, और 98 के पास इसको सपोर्ट मिलना ही मिलना चाहिए, तो आपको 98 के पास तो सपोर्ट मिलना ही है, इनफैक्ट 115 के पास भी जाते हुए ये आपको वहाँ को सपोर्ट दिखेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे बहुत हैवी कैंडल बन रहा है, और हैवी कैंडल को वीकली बेसिस पे इसको डिस्टॉर्टेड मिल रहा है, वॉल्यूम के साथ टूट रहा है, RSI भी 35 है, तो ये कहीं ना कहीं 115 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा और मिल सकता है। अगर मैं इसकी 5 आवर्स पे भी बात करूँ, 5 आवर के कैंडल को देखने की कोशिश करूँ, तो आप देखिए क्या हो रहा है, आपको ऊपर की ओर जब ये 180 देखेंगे, 180 पे ये ब्रेक हुआ है, तो जिस समय 180 ये क्रॉस करेगा तो आपको 220 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो इमीडिएट जो लॉन्ग टर्म के लिए आप 180 का टारगेट रख सकते हैं, 115, और आपको हो सकता है कि जब भी मोटो सेक्टर में थोड़ा भी अपसाइड दिखे तो आपको पहला ये जो अपसाइड में जा सकता है वो 180 की ओर जाते हुए आपको देर नहीं लगेगा इसमें। और तो आप कहीं ना कहीं इस पे 180 की ओर चाहे तो, अगर आप देखें 5 आवर के कैंडल को देखें तो ये क्या किया है, यहाँ पे कुछ दिन से यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था और वॉल्यूम के साथ ये 5 आवर में ये तोड़ा है, तो इसका मतलब ये गिरावट अभी भी वॉल्यूम के साथ हुआ है। आवरली बेसिस पे भी इसको एक बार हम देखने की कोशिश करें तो वॉल्यूम के साथ ये फॉल हुआ है, और लास्ट आवर पे थोड़ी सी बाइंग इसको सो बाजी हुई है, बाइंग में उठाया गया, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं है शॉर्ट कवरिंग में, तो ये जो कैंडल है ये गलत कैंडल है, मतलब सो बाजी कैंडल है केवल। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा, 138 का चाहें तो यहाँ पे, यहाँ आप 138 जब ये क्रॉस करता है तो आपको शायद पोजिशन बनानी चाहिए, 138 का अगर गैप खत्म करता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको 160 के आसपास जाते हुए दिखेगा, 160-180 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो 138 आप चाहें तो स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगा लें 140 का, और 140 के स्टॉप लॉस से आप चाहें इसमें बने रहें या आपको 115
100, और वहाँ से अगर कोई टर्निंग नहीं आता है तो 96 पे इसको जाके स्टॉप मिलेगा लॉन्ग टाइम के लिए। ये अच्छा स्क्रिप्ट है जो कि आपको हाई बनाया है इसने 229 का, तो वहाँ तक आपको जाते हुए दिख सकता है। अगर आप देखेंगे तो जो इसने हाई बनाया हुआ है, ये हाई बनाया हुआ है आपको मंथली बेसिस पे 253-256 का। आप यहाँ पे देखिए हाई तो यहाँ पे 229 का दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये जो बनाया हुआ है 256 का बनाया हुआ है। तो आपको ये मंथली बेसिस पे भी देखेंगे तो 3 फॉल कंटिन्यू फॉल कैलेंडर बनाया हुआ है और विथ वॉल्यूम है, तो ये टूटेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे जाकर के 99 के पास आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। तो मेरे अंदाज से इसको 99 के पास जरूर से जरूर सपोर्ट मिल जाएगा इसको, यहाँ से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। तो एक बार 115 और फिर वहाँ से 100 के बाद 99, तो यहाँ पे आप 99, 110, 115 के पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जाते हुए दिखेगा। और चाहे तो आप यहाँ पे जैसे 115 के बाद आप यहाँ पे जो पोजीशन बनी हुई है 110 और उसके बाद 95 या 99 यहाँ तक आपको जा सकता है, बट आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखनी चाहिए। अगर ये फॉल करता है लॉन्ग टर्म को बहुत अच्छा ये स्क्रिप्ट है, ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो इसमें होल्डिंग पोजिशन बना सकते हैं, अच्छा व्यू है। अब शॉर्ट टर्म में ये निगेटिव है, और शॉर्ट टर्म में आपको मैंने यहाँ कैंडल पर भी दिखाया, ये कैंडल दोनों टूटते हुए दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि ये किस दिन का जो अभी कैंडल है वो उसको टूटते हुए नीचे की ओर जा रहा है, ये तोड़ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे डेली बेसिस पे आपको दिखाओ तो 141 का यहीं पे आपको सपोर्ट बता रहा था, यही बेसिस से जहाँ से ब्रेक हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप ये 141 यहाँ पे भी दिखा रहा है, और जब आपका अर्ली बेसिस पे इसको हम देख रहे हैं तो वहाँ पे एक ब्रेक भी दिखा रहा है 141 के आसपास। तो दोनों से व्यू से देखें तो यहाँ पे देखिए 138 के पास, तो दोनों से यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलता है। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, बहुत मतलब समझते कि थोड़ा उतना स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते, 141 का नहीं ले सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट आपको 133 का लेना पड़ेगा, जो कि इसका यहाँ का 50 डेज का डेमा है 133, तो 134 का आपको लेना ही पड़ेगा। 134 के स्टॉप लॉस नीचे की शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, वॉल्यूम अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ सेल किया जा रहा है, तो ये आपको नीचे की ओर आपको मिलेगा, 100 के आसपास आराम से मिल सकता है। 115 के पुट को भी देख सकते हैं, 115 का पुट जो है आपको अभी जो मिल रहा है 2.35 रुपये के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे आप 2800 का लॉट होता है, 2850 का लॉट होता है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 35% है। एक अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी में रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको ना तो बाय करने बोल रहा हूँ ना तो सेल करने बोल रहा हूँ। ये लॉन्ग टर्म का अच्छा घोड़ा है, आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, फ्री रखें, क्योंकि पैसा आपका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।